हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शेज़वान सॉस। ये एक इंडो चाइनीज़ सॉस है जो कि शेज़वान राइस, शेज़वान नूडल्स और काफ़ी सारी सॉसेज में यूज़ की जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम लाल मिर्ची ली है, साबुत लाल मिर्ची। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। हमने सिंपल वाली लाल मिर्च ली है। इसमें 100 ग्राम में से 50 ग्राम जो मिर्ची है उसके हमने बीज निकाल दिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा तीखी ना बने। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो उसके बीज निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमने आधी मिर्चों के बीज निकाल दिए हैं और आधे के नहीं निकाले हैं। तो अब हमें इसे पानी में बॉयल कर लेना है ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो हमने एक पैन में इसे डाल देना है और इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी हमने इतना डालना है कि मिर्ची इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। और हमने इसे उसके बाद बॉईल करना है 10 मिनट तक। मतलब 10 मिनट या फिर जब तक आपकी जो मिर्ची है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको इसे बॉईल करना है। तो जिससे मिर्ची सॉफ़्ट हो जाएगी और इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से पिस जाएगा। तो मिर्ची हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है, ये देखिए हमने बॉईल कर ली है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और मिर्ची को निकाल कर पीस लेना है हमने एक जार में। तो मिर्ची को एक जार में डाल देंगे और इसे हमने बारीक पेस्ट बना लेना है इसका। और मिर्ची थोड़ी ठंडी कर लीजिएगा उसके बाद ही पीसिएगा। यदि आपने गरम गरम मिर्ची डाली तो जार में से निकल जाएगी बाहर। और इसे हमने पीस लेना है बिना पानी डाले, क्योंकि बिना पानी डाले पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी होगा। तो बस इसी तरह से हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और इसका जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक रेडी होगा। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, इसका पेस्ट हमारा रेडी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। हमने ये ऑयल आधा कप के आसपास यूज़ किया है। इसमें डाल देंगे आधा कप कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन है ये। और लहसुन इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये जो हमने ऑयल लिया है इसे हमने हाई फ्लेम पर गरम किया है। ये जो हमने काम करना है हाई फ्लेम पर ही करना है अभी, जब तक कि हमारी सॉस पक नहीं जाती है तब तक। तो हाई फ्लेम पर हम इस लहसुन को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक यूज़ करना है। तो लहसुन को हमने हाई फ्लेम पर भून लिया है 2 मिनट के लिए। तो इसका हल्का सा चेंज हो चुका है कलर, तो अब इसमें अदरक डाल देंगे हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो अदरक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो धनिया होता है ना, हरा धनिया, उसके पीछे की जो स्टिक्स होती है वो डालनी है। ओनली पीछे की डंडियाँ डालनी है, पत्ते बिल्कुल नहीं डालने हैं। आप चाहें तो सेलरी स्टिक्स भी डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें हरे धनिया की डंडियाँ डाली है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अदरक और हरे धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है जो हरे धनिया की डंडियाँ डाली है। तो बाकी बचा हुआ जो पेस्ट है जार में वो हम पानी के साथ निकाल लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस पेस्ट जो ये पेस्ट है हमारा मिर्ची के, इसे बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। इसमें हमने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो इसलिए ताकि हम इस सॉस को प्रिजर्व करके रख सकें काफ़ी दिनों तक। तो बचा हुआ जो पानी है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पानी अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करें इसमें, जितनी आपको सॉस थिक चाहिए। तो अभी हमें इसे पकाना भी है इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो इसे हमने पका लेना है लगातार चलाते हुए। और गैस की फ्लेम हाई पर थी अभी तक हमारी, अब हम ढक्कन लगाएंगे इसमें। तो ढक्कन लगाने के बाद गैस की फ्लेम को लो पर करना है और 15 मिनट के लिए हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, 12 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए हमारी सॉस ने अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। तो अब हमने इसमें जो है 1 चम्मच विनेगर और 1/2 चम्मच नमक ऐड किया था, लेकिन बीच में कैमरा ऑफ हो गया तो इसमें वो टेक आ नहीं पाया है। तो ढक्कन निकालने के बाद इसमें 1 चम्मच विनेगर, सिरका जो होता है, और 1/2 चम्मच नमक को ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस को फिर बंद कर देंगे 2-3 मिनट के बाद। ये देखिए गैस को हमने बंद कर दिया है 2-3 मिनट के बाद और सॉस हमारी बिल्कुल थिक हो चुकी है और रेडी है। तो अब इसे ठंडा करके हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल बनकर रेडी है, शेज़वान सॉस। इससे आप बना सकते हैं फ्राइड राइस, नूडल्स
और अलग अलग तरह के स्नैक्स में भी यूज़ होती है और सॉसेस में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो आप इसे जार में बंद करके जो है 2 से 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो आपकी जो सॉस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी काफ़ी लंबे टाइम तक। तो बनाकर आप इस तरह से ट्राई कीजिए। आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।